आपां दे देश मैं नवां उडारी। अम्मी के तलाएगी मैं खाऊंगा, अम्मी जल्दी आ जाओ चुके कना। बेचारा सेहत, अपने पोते वाले दिन अब इतना कुछ सहना पड़ रहा है उसे। उसे ये केक पसंद तो आएगा ना। किसी को खुश करने की कोशिश तुम इतने दिल से करती हो तो कैसे पसंद नहीं आएगा। चलें। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे। चलो 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 सर। सर अरमान सर। सैद अरमान कहीं वो घर के अंदर तो नहीं चला गया। अम्मी ने रखे होंगे। जहद, 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 किसे ढूंढ रही हो आसमा? देखो कितना बड़ा केक। आ जाओ आप ही काट लो।
किसी को ढूंढ रही थी? लगा झटका आसमा? आला, आला नहीं, 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 डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करो, आज बर्थडे है ना उसका, देखो मैंने केक भी कट करवा दिया, कितने अच्छे से खा रहे, कितना क्यूट लग रहा है। नहीं नहीं एक्चुअली मिसिंग है तो बस म्यूजिक। आला नहीं, आला प्लीज प्लीज मत कर। आज बर्थडे है किसी का? किसका बर्थडे? आलिया ये क्या कर रही है आधी रात को? किसका बर्थडे मना रही है? वाह उसका है। अम्मी आप देखा जैद आपका? नहीं पर जैद के नहीं खाएंगे। खाओ अम्मी। ये बच्चा कौन है? ये जैद हैदरकोट से। अम्मी ये लोग कौन है? ये भी मेरे बर्थडे में आए हैं। आप लोग भी मेरा केक खाओगे? जैद आप यहीं आराम से बैठो, मैं आती हूँ। ठीक है डैडी जी। वार्चली अब तो आप सबको पता चल ही गया होगा ना कि ये बच्चा कौन है और हमारी आसमा उसकी अम्मी। ये सब क्या हो रहा है इस घर में हैं? अच्छा मैं आप सबको बताता हूँ बात क्या अरमान है। तुम तो चुप ही रहो, अगर तुम्हें बताना होता ना तो तुम कब के बता चुके होते। पर नहीं, तुम्हारी आंखों पे तो इसकी प्यार की पट्टी जो बंधी हुई है, तुम्हें कहाँ कुछ दिखाई देता है। लेकिन हम सबके पास तो आंखें हैं ना बेटा। आप हैदरकोट से हो ना? हाँ। देखा देखा आप सबने, ये कबूले वाला ड्रामा तो आप सबने देख ही लिया था ना। उससे आप सबको ये तो पता चल ही गया होगा कि कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा वहां, कि हमारी महानता की मूरत सती सावित्री आसमा को बार बार अम्मी बुलाता है। आसमा तुमने कहा था ना कि तुमने तीसरा कबूला नहीं बोला? वो है तुम्हारा तीसरा कबूला। और जरा गौर फरमाइएगा, शायद इनके शौहर मियां भी होंगे यहाँ हमारे इसी घर में। आलिया अरमान और नहीं, जैद, जैद, जैद बेटा, जैद कहाँ चला गया? जैद, हाँ, जैद बेटा, जैद,
आप लोग ही थे ना जो इसकी तारीफ करते रहते थे कि हमारी बहू तो बहुत महान है, उसका दिल बहुत साफ है, बहुत पाक है। अरे अपने परिवार वालों के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकती, ये है आपकी बहू। अरे वाह आसमा, तुम तो लीडी चंगेज खान निकली, जहां जा रही हो वहां एक नया पति बना रही हो। आलिया बकवास बंद कर वरना तेरी सुबह खींचूंगा मैं। अब अगर एक भी लफ्ज बोला ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बर्दाश्त मैं भी नहीं कर सकती अरमान, कि वो तुझे मुझसे इस तरह छीन ले। और इसीलिए उसकी असलियत सामने आना बहुत जरूरी है। और असलियत ये है कि उसके तुम इकलौते हस्बैंड नहीं हो, एक और है, शायद इसी घर में छुपा के रखा है। वो इतने दिनों से दूसरे देश में दूसरे मर्द के साथ उसके घर में रह रही थी। क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना हुआ? अगर इतना ही प्यार है तो कहो इससे, तो दे अपनी पवित्रता की अग्नि परीक्षा। बस दुश्मन उनका आदमी मेरे घर में क्या कर रहा है? बता क्या करने आया तू? अर्जी छोड़िए मेरी। नहीं अरमान छोड़ो। अबे मेरे घर में क्यों आया तू? छोड़ो ध्यान रखो, बताता हूं मैं। हम मुर्तजिम सिद्दीकी हैं, अरमान जानते हैं हमें। आप इनके किरदार पर कीचड़ उछाल रही, इनके जिनके जैसा नेक, जिनके जैसा पाक शायद इस दुनिया में कोई और हो। मुर्तजिम आपको नहीं आना चाहिए था। ओह गॉड आसमा, बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। पाप तो बाहर आ ही जाता है, और तुम्हारा पाप तो सीधे हैदर कोर्ट से मोगा गया। आलिया मैं कह रहा हूँ चुप हो जा। शर्म आनी चाहिए आपको, आपको पता भी है कि ये किस हाल में थी। वहां याददाश्त चली गई थी इनकी, कुछ याद नहीं था इन्हें, न अपना नाम, न ना पता, न वजूद। बस याद था तो सिर्फ एक नाम, अरमान। सिर्फ इन्हीं के बारे में सोचती रहती थी। इनसे बेवफाई करना तो दूर, ऐसा कोई ख्याल भी कभी इनके मन में नहीं आया। इनके लिए इनका प्यार, इनका खानदान, इनका किरदार, ये सब कुछ था जिस पे कभी इन्होंने कोई आंच नहीं आनी थी। और आप इनके साथ ये सलूक कर रहे हैं, हमें यहाँ पना देकर ये कोई गुनाह नहीं कर रही, बल्कि अपना फर्ज अदा कर रही, कर्ज चुका रही। देखा आप सबने, इसे बस अपनी इंसानियत की परवाह है, अपने परिवार की नहीं। एक गैर आदमी को इसने अपने घर में छुपा के रखा था। तुम्हें पता है ना आसमा कि दोनों देशों के बीच कैसे रिश्ते। जब पुलिस वालों को, आर्मी वालों को पता चलेगा कि ये यहाँ छुपा है, तो वो सीधा आके हमें जेल के अंदर डाल देंगे, और जिंदगी भर हम सब जेल के अंदर सड़ते रहेंगे। और पता चले कि ये आपका राजा का बच्चा जेल के अंदर जन्म ले रहा। मम्मी जी, तब डैडी जी, तब क्या करेंगे आप लोग? हाँ बोलिए ना, तब क्या करेंगे आप लोग? आलिया ये भी वहां उसी तरह पहुंचा जिस तरह मैं पहुंची थी। अगर तुम चाहती हो तो मैं उसके बारे में डिटेल में बात कर सकती हूँ। तुमने जो कुछ भी किया मेरे साथ, मैं सब माफ कर दूंगी, तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगी। प्लीज अरमान को बचा। डैड जी, मम्मी, बेबे, आप सब अंदर जाइए। देखो टेंशन मत लो, मैंने सब इंतजाम कर दिया। आज रात ये दोनों अपने मुल्क पहुंच जाएंगे। मजाक है कोई है? कोई फिल्म चल रही है यहाँ पे कि एंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा? पहले इसे कार में छुपाया और अब चोरी से वापस भेज रहे हो, और तुम्हें पता भी है तुम दोनों ने कितना बड़ा गुनाह किया है, और सबके माथे पे ना गद्दारी का ठप्पा लग जाएगा।
और लोग थूकेंगे हम पे, आने वाली 10 पीढ़ियां बदनाम हो जाएंगी हमारी। डैडी जी, एक बार इन दोनों की तरफ देखिए, आपको सच में लगता है कि ये? चुप हो जा आसमा, बहुत भलाई कर ली तूने, और तेरी ये भलाई ना इस घर को बर्बाद कर देगी। हाय रब्बा आसमा, ये तूने क्या किया, किस मुसीबत को उठा के घर ले आई है? जो किता सो किता, वो बख्श दे हमें, लेके जा इन सबको यहाँ से, मैं देश के दुश्मनों को अपने घर में बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। डैडी जी, वो छोटा सा बच्चा, और आप इन्हें देखिए, इन्हें डॉक्टर की जरूरत है, ऐसे इतनी रात को हम इन्हें बाहर कर, ये कल चले जाएंगे। और तेरा जहाँ जी करे लेके जा इनको। ये कैसे बात कर रहे हो आप आसमा से, तो चुप हो जा अरमान, आज अगर तू बीच में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ इंसानियत की देवी, सामान ले और घर से दफाओ, वरना मैंने पुलिस को बता देना है कि तूने ना किसी गद्दार को घर पे पनाह दे रखी है। बुआ! बस! अगर हम दोनों यहाँ हैं, तो सिर्फ इसकी वजह से, वरना लाशें आती हमारे यहाँ। और मुर्तजम ने मेरे और अरमान के लिए अपने बच्चे तक की परवाह नहीं की, उसने अपने सीने पे गोली खाई है हमें बॉर्डर पार कराने के लिए, अपने बच्चे को लेके खाई में गिर गया था। अरे इसकी फैमिली को तो ये तक नहीं पता कि ये जिंदा है या मर गया, अपने महल जैसे घर को छोड़ के वो हमारे मुल्क में दर बदर भटक रहा है। क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ हमारी जान बचाई, और वो मासूम बच्चा जिसे देख के रब याद आ जाए, वो आपको गद्दार लगता है। और मैंने जो कुछ भी किया है उसका अफसोस नहीं मुझे। हाँ, मुझे आप लोगों को इस सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए था, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे आप लोगों को तकलीफ नहीं दी, आप मेरे परिवार हो, पर मैं इन्हें इस सिचुएशन में नहीं छोड़ सकती। मैं चली जाऊंगी दिल्ली के, मेरे लिए सिर्फ इनकी ही नहीं रहनी चाहिए, आप लोगों की हिफाजत भी मायने रखती है। और बड़ी मेहरबानी कि तुझे एहसास हो गया कि हमें भी हिफाजत की जरूरत है, और जा और निभा अपना फर्ज और उतार अपना कर्ज, पर ये लोग तो इस घर में नहीं रह सकते, मतलब नहीं रह सकते। मैं हुने पुलिस को फोन करती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है बुआ जी, मैंने ऑलरेडी पुलिस को फोन कर दिया। क्या तुमने पुलिस को फोन कर दिया? हाँ, क्योंकि मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। वैसे भी आर्मी ऑफिसर्स हम पे नजर रखे हुए थे, ऐसे में उन्हें खुद से बता देना ही अच्छा है। बकवास बंद कर, जो अपनों की नहीं हुई वो अपने देश की क्या होगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई पुलिस को फोन करने की? हाँ अरमान, मेरी बात कान खोल के सुन ले, आज तो तुझे फैसला करना ही पड़ेगा, आलिया या आसमा। आसमा, आसमा, आसमा! आसमा, बच्चे को उठाओ, भागो यहाँ से जल्दी। अरमान, अरमान, अरमान क्या कर रहा है? आसमा, अरमान किधर जा रहा है? आसमा नाम बता। अरमान, आसमा नाम। जल्दी, आसमा जल्दी। गिल साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपके घर पे रेड, सब ठीक तो है? आसमा ठीक है? ये सब किया धरा उसी का है। और तेरे को इतनी जल्दबाजी दिखाने की क्या जरूरत थी? हम बात कर रहे थे ना। और इस लड़की ने ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आना, क्योंकि तूने ये सब है। एक मिनट, क्या गलत कर दिया कुड़ी ने? उल्टा इसने हमारी जान बचाई है, वरना वो पुलिस वाले है ना, किच्ची मरोड़ के हमें भी जेल में डाल देते। हेलो, हाँ जी, गाड़ी कहाँ पहुंची है? ऐसे करो, पिछली वाली गली से लेके आना। भागो आसमा, और तेज भागो, कहीं तुम्हारा हस्बैंड नंबर टू और ये बच्चा पकड़ा ना जाए। क्या हुआ जैद बेटा? बेचारा बर्थडे बॉय, कहाँ तो इसका अच्छा खासा बर्थडे मनाया जा रहा था, अब देखो कहाँ इसे भागना पड़ रहा है। अब क्या करेंगे आपकी अम्मी? खबर तौर जो अपने गंदे हाथ से छुआ भी, और तुम क्या इतनी खुश हो रही हो? हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं वापस आऊंगी, तक के लिए अपनी खैर मना रही हूँ।
चलो चलो चलो। आसमान जाने का टाइम हो गया, चलो जल्दी। सॉरी आसमान। अनमान इस वक्त इन बातों का हमें कुछ भी करके इससे तो कदम आगे रहे। चलो। हाँ जी कहाँ पहुंची गाड़ी? मैं पिछली गली में पहुंच गया हूँ जहाँ आपने बोला था। एक छोटा सा बच्चा है और एक 30 साल का आदमी। जी जल्दी पहुंचे। ठीक है तुम्हें तो मैं जेल भिजवा के दम लूंगी आसमान, फिर देखती हूँ कि तुम कैसे वापस आते हो। हेलो वो लोग भाग रहे हैं, आप लोगों ने जल्दी से पकड़ी। ओके